कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। ब्राह्मण स्वाभिमान शंखनाद के जरिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों ने अपनी ताकत दिखा दी है। बड़ी संख्या में पहुंचे ब्राह्मणों ने एक स्वर में कहा है कि अपनी आवाज बुलंद तरीके से उठाने के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी बेहद जरूरी है। इसके लिए सभी ने सहमति से मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के लिए निवर्तमान मंत्री सुनील भराला के नाम का शंखनाद कर दिया। महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने कहा कि ब्राह्मण समाज इस वक्त तमाम संकट व उपेक्षा के दौर से गुजर रहा है। कोई भी राजनीतिक दल ब्राह्मणों की आर्थिक व सामाजिक उत्थान की चिंता नहीं करता है। ऐसे में सभी ब्राह्मणों को अपनी एकजुटता दिखाते हुए अपने हितों की रक्षा के लिए एक छत के नीचे आना होगा। दरअसल रविवार को राष्ट्रीय परशुराम परिषद द्वारा मेरठ के ऐतिहासिक प्यारे लाल शर्मा स्मारक में ब्राह्मण स्वाभिमान शंखनाद समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम ब्राह्मणों ने पहुंचकर अपनी एकता का परिचय दिया। समारोह में कुछ लोग बुलडोजर भी लेकर आए थे। समारोह में महामंडलेश्वर गुरु नीलिमानंद स्वामी कनक प्रभा सरस्वती कथावाचक विशाल कृष्ण महाराज ने भी ब्राह्मणों की एकजुटता व सर्वमान्य रूप से एक नेता को चुनने की बात कही। देखे समारोह की एक झलक। इस मौके पर भाजपा सरकार के निवर्तमान मंत्री पंडित सुनील भराला ने यह कहा। ब्राह्मण स्वाभिमान शंखनाद में मुझे सर्व ब्राह्मण सभा ने आज यहाँ पर मुख्य अतिथि बतौर बुलाया है और मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। अभी आज जो समाज अपने यहाँ विचार रख रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सर्व ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि यहाँ पर हैं इस समय और वो अपने विचार रख रहे हैं और आज समाज जो है यहाँ मुझे बना करके मुझे निर्णय कुछ सुनाने जा रहा है, उसको लेकर के मैं अभी उनके जितने भी संबोधन आ रहे हैं, उनके वक्तव्य आ रहे हैं, मैं उनको सुन रहा हूँ और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है क्योंकि समाज जो मुझे सम्मान दे रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी समाज के संगठनों के अध्यक्षों ने आकर के मुझे पगड़ी पहना करके जो आज सम्मान दिया है कि उत्तर प्रदेश में अपना नेता स्वीकार करने की जो मुझे एक ये उन्होंने मांग रखी है, मैं अब विचार करके मन से उसको बताऊंगा और अपने व्यक्तव्य में मैं ब्राह्मणों का निश्चित रूप से सम्मान करूंगा।
ये 2024 को लेकर नहीं है, ब्राह्मण स्वाभिमान को लेकर के है। और ये जो आयोजकों ने बताया कि जो स्वाभिमान ब्राह्मणों का गिर रहा है उसको कैसे उठाना है, गरीब पीड़ित उनकी बात आ रही है, जो दबे कुचले ब्राह्मण है उनकी बात उठ रही है, राजनीतिक और भागीदारी की बात उठ रही है, हिस्सेदारी की बात उठ रही है, उसको लेकर के मैं अपने व्यक्तव्य में आज समाज को अपने। वही महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज का यह कहना है। आज मेरठ की इस भूमि पर पंडित सुनील बराला के नेतृत्व में और बड़ी भारी संख्या में क्षेत्र का ब्राह्मण समाज एकत्रित हुआ है। ब्राह्मण समाज इस समय सर्वाधिक संकट के दौर से गुजर रहा है। राजनीतिक रूप से ब्राह्मण समाज सर्वाधिक उपेक्षित समाज है। ब्राह्मणों के हित के बारे में कोई भी राजनीतिक दल विचार नहीं करता है। ब्राह्मणों की आर्थिक सामाजिक किसी भी दशा के लिए कोई भी राजनीतिक दल चिंता नहीं करता है। समाज में आई तरह तरह की विकृतियों के लिए सभी लोग ब्राह्मणों को दोष देते हैं, ब्राह्मणों को गाली देते हैं, जबकि ब्राह्मण ने सदैव समाज के कल्याण के लिए समर्पण भाव से काम किया है, निस्वार्थ भाव से काम किया है। तो आज की आवश्यकता है कि ब्राह्मण समाज को उठकर खड़ा होना चाहिए, अपना नेतृत्व चुनना चाहिए। जो ब्राह्मण समाज बिखरा हुआ है उसे एकजुट होना चाहिए और अपने किसी एक नेता की छत्र छाया में आकर ब्राह्मण समाज को अपनी समस्याओं का समाधान खोजना चाहिए। उसी दृष्टि से आज का ये बड़ा महत्वपूर्ण सम्मेलन सुनील भराला जी के नेतृत्व में यहाँ किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख प्रमुख ब्राह्मण नेता अपने अपने वक्तव्य रख रहे हैं और ब्राह्मण समाज को अपने हितों के संरक्षण के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, ये बात निकल कर आ रही है। और ब्राह्मण समाज अब संघर्ष के लिए तैयार हो रहा है और यहाँ से कोई ना कोई संघर्ष की दिशा और दशा तय की जाएगी और ब्राह्मणों के हित में एक संघर्ष यहाँ से प्रारंभ होगा कि जिस प्रकार से बाकी लोग राजनीति में समाज में निरंतर कोई आरक्षण की सुविधा प्राप्त करके कोई अपने जातिगत संगठन के बलबूते पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ब्राह्मण भी अब पीछे नहीं रहेगा, वह भी संघर्ष करेगा। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट पार्ट। नमस्कार।